नमस्कार, मैं कलमल चोपड़ा, आप देख रहे हैं एनएन मीडिया। आज हम पहुंचे हैं मदीना के टोल प्लाजा पर, जहां भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। आज हम करते हैं कुछ किसानों से बातें जो कि भारत बंद में शामिल हुए हैं। न्यू बता बाण बेटी सबकी रोड को ऊपर बैठी उन शर्म को नमती ढेड़ ना न्यू तो चाहिए बहु बेटी बाण बेटी सबके रोड को ऊपर काट रखा इज्जत तो सब को होगी। अरे सच्चा बजान के पढ़न लाग रे उन्हें न्यू नहीं दिखता आकी भी तो इंसान होंगे ऐसा काम कर लिया डेढ़ ने क्या कभी ना बेरा उसका बाण बेटी तो ना हाथों और आगी तो सह उसने इतना तो सोचना चाहिए न्यू बना था के वो। आप कहाँ से आए हो? मदीना तो आए हैं, अरिशवंती नाम से मेरा। अच्छा, अरे ऐसा काम कर दिया उसने तो हम तो हमारा काम पूरा हो लेगा ना, ये तीन कानून वापस ले लेगा ना। जब उठेंगे इतने नहीं उठा कती भी ना दिल्ली तो उठा और ना ही टोला पर तो उठा हम तो जितना होगा ना उतना फालतू करेंगे ही भी। अरे हम ऐसा काम करेंगे यो याद रखेगा कर देता ही हमने दिखता क्यों ना वो दिख जाता उतने उसने हम देख लिया है ले कति जैन काट दें उसकी मारा तो ईसा जी करा जा थे जाना तो गुट्ठा दे दू मैं तैयार ले उसका। आपको बीजेपी सरकार कैसी लगी? क्या लगी अच्छी लगे तो हम क्या बैठे हैं रोड पर हमने तो इसीलिए लागी जो आँख में कोणक है मारी तो आँख फोड़ दी ढेर का भी जाप तो बैठे है सब वो था जम बैठे बैठे हंडा वो मार दो रखी ना वो पट्टे उसने बेरा है जब उसने लागू करा था बहुत सारा था। क्या नाम आपका? राजबाला। कहाँ से आए हो? मदीना से। भारत बंद का ऐलान क्यों किया आज आपने? अपने तीन कृषि कानूनों के लिए किया, कल जो काले कानून बना रखे हैं उनको वापस ले करने के लिए हमने रोड जाम किया आज। आपको बीजेपी सरकार कैसी लगी? हमने तो किसी भी ना लग गया। इस बार कौन सी सरकार बनाना चाहो? हम तो अपनी किसान की सरकार बनाओगे, हमने ना कांग्रेस की बनानी ना बीजेपी की बनानी ना कोई एनडीए की बनानी, कोई सरकार नहीं बनानी हमने, अपनी अलग से बनाएंगे हम तो। तीन कृषि कानूनों के बारे में बताओ। एक तो MSP पर हम लिखित में चाहते हैं और एक ये मंडियां बंद कर दी और सब कुछ ये प्राइवेट कर दिया, जहाज बेच दी, तेल बेच दिया, रेल बेच दी, कुछ भी इतना छोड़े खेती रह रही थी इसमें कमा खा ले थे बालक ये भी बेच दिया, इनको भी बेचने जा रहे हैं फिर क्या करेंगे बच्चे, नौकरी तो है नहीं, खेती में कमा कर खा ले थे रोटी वो भी छीन ली। मोदी और खट्टर को क्या कहोगे? मोदी और खट्टर को क्या कहेंगे भाई हमने तुम्हारे ये कानून वापिस ले लो और हमने रोटी खा लेने दे और के कहा था इनने। अगर सरकार नहीं मानी तो आप क्या करोगे? हम तो ऐसे ही रोड जाम करते रहेंगे अपने, जब तक हमारे कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम ही रोड पर ही रहेंगे। धन्यवाद।